इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.1 है और ऐसा करो कॉमन ना लो या तो फिर चलो ठीक है ले लियो ठीक है 2.8 इससे भी हो जाएगा हाँ 22/7 × 2 और यहाँ से 4.2 आएगा 2.8 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 44/7 कर लो और यहाँ से 7 कट जाएगा तो 44 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया टोटल आ जाएगा हाँ एरिया ऑफ द कैनवास अब हमें रेट 500 रुपए एक मीटर का लगता है एक मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लेंथ उसकी है तो 500 रुपए तो सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 500 रुपए तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 × 500 इसी का मल्टीप्लाई करो 22,000 रुपए उसको देना पड़ेगा उसके लिए लेना पड़ेगा तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इससे होगा इसको लेना हाँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लोगों का हाथ चल नहीं रहा चार्जेस पड़े नहीं हो गया जी लोगों का जाम हो गया क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फिगर मैं यहां बना देता हूं देखिए एक सिलेंडर और इसके अंदर से एक कोन निकाला जा रहा है इस तरह से कोन काट के निकाल दे रहे सेम हाइट का हाइट दोनों का सेम है एक इस टाइप का काटा जा रहा है जिससे ऊपर से कोन आपको दिखाई देगा तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा था हमें सॉलिड सिलेंडर था हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर ये डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर आर आएगा 0.7 इसका रेडियस निकल जाएगा हाँ, रेडियस मिल गया हाइट मिल गया फाइंड टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ठीक है अब उसमें से कोन काट के निकाल दिया तो देखो पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उसके चारों तरफ जो गोल गोल सा एरिया होगा हाँ अंदर की तरफ बाहर की तरफ कितना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ द बेस बेस का मतलब सर्कल है ना नीचे
नीचे क्या है? सकल। तो कल सरफेस एरिया स्लेंडर कितना होता है? 2πRH। और कल सरफेस एरिया कोण कितना होता है? पाई आर एल। और बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर। देखो जो बेस है ना, ये वाला तो रहेगा ना, हाँ, और ये वाला रहेगा, ठीक है जी। ये काट के निकाल दिया इतना, तो अंदर कोण तो दिखाई देगा ना जब ऐसे देखोगे। अरे वहां से लिया तो क्या करोगे? बाहर से नहीं दिखेगा, कोण अंदर से दिखेगा जब अंदर देखोगे। हाँ, अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखो क्या कॉमन हो सकता है, पाई आर कॉमन ले लो, क्यों जी, इससे एक ही हो जाएगा, 2h बचेगा, यल बचेगा, एक आर, क्यों जी, हाँ, पाई आर कॉमन होगा ना। अब सब हाइट सभी वैल्यू रख दो, 22/7, पाई देख लो यही है, पाई दिया तो नहीं है, नहीं दिया सर। रेडियस कितना निकला था? 0.7, एच 2.4 है, यल, हाँ यल, यल नहीं दिया ना, हाँ तो यल निकालना पड़ेगा। अच्छा जो रेडियस कितना है? 0.7। तो पहले भाई आपको यल निकालना पड़ेगा साइड में, क्योंकि इसने स्लैंट हाइट नहीं दे रखा। तो चलो यल निकालते हैं हम लोग। हाँ देखिए, रेडियस जो रेडियस इधर है वही रेडियस यहां भी होगा, क्यों, हाइट यही होगी, हाँ, या ऐसे निकाल सकते हो, क्यों जी, यही तो यल होता है। तो यल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है 0.7 का स्क्वायर, हाइट कितना है? 2.4 का स्क्वायर। तो ये 49 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। और ये 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 6.25 हो जाएगा। इसका मतलब 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। यल आपको मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यल कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। तो इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या होगा आंसर मिल जाएगा। और यहां आएगा 0.1, ये आएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये आएगा 2.2। इनको ऐड करिए, देखिए 8, 7, 15 और 5, 20, 20 के 0, 4, 2, 6, 2, 8, देख लीजिए कैलकुलेशन। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8, 2 जा 16, 8, 2 जा 16, 170, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आप मैचिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। अरे तो आंसर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, 346 पॉइंट आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वुडन देखिए इसमें फिगर दे रखा है इस तरह का एक सिलेंडर और इसमें ऊपर से देखिए इस तरह से बना हुआ है, मतलब यानी स्फीयर है। वुडन आर्टिकल आर मेड बाय द स्कूपिंग आउट इन दिस स्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दैट इक्वल 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये सब चीजें फिगर के साइड में लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहता है। टोटल सरफेस एरिया आपने पता करना है, क्वेश्चन नंबर 9, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, देखिए टू हेमिस्फीयर है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए कितने लोग 45 एंगल का एंगल को फॉलो कर रहे हैं लिखने में, जो कर रहा होगा उसकी राइटिंग में चेंज होगा। हाँ, तो हमें फॉर्मूला रख देना है, सर्फ सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप 2 पाई आर कॉमन लेंगे कितना आएगा, एच प्लस 2 आर, क्यों जी 2 आर सर, तो 2 पाई की वैल्यू देख लीजिए गिवन है कि नहीं है, नहीं गिवन है, तो 22/7 रेडियस है 3.5 हाइट है 10, 2 × 3.5 ये हो जाएगा 44, इसको आप काटेंगे तो 0.5 आएगा और यहां से 7 आएगा प्लस 10 तो कितना आएगा 17। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 × 4 = 20 और 2 × 22 = 17, 17 × 2 = 34, 2 = 34 + 3 = 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपका है 13.2। ये सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, देखिए इसका फिगर है, एक हेमिस्फीयर है हमारे पास
इसके ऊपर एक कोन बना हुआ और ये सॉलिड है, क्या है ये? सॉलिड है। रेडियाई और हाइट दोनों सेम है, आर इक्वल एच इक्वल वन। हाइट हाइट कहा होगी, कोन की ये होगी, और रेडियस और हाइट दोनों सेम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड क्या होगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता जी? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, आप पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले सकते हैं और बाई थ्री भी ले सकते हैं ना। हाँ, तो बचेगा क्या? इसे थोड़ा कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगा, 2r और 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन ही हो गया। यस, ठीक है जी, कॉमन लेने से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 1/3 पाई, पाई में ही आंसर बताना है। रेडियस आपको कितना मिला है? 1। तो 1 स्क्वायर कर सकते हैं, 2 × 1 + 1 पाई 1/3, और देखिए यहां से कितना आएगा, 3 आएगा, 3 कैंसिल, आंसर कितना आया? सेंटीमीटर क्यूब, इट इज योर राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, देखिए
के राकेल एंड इंजीनियर स्टूडेंट्स, सो आज आज टू मेक ए मॉडल से लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड इट एट टू एंड्स। देखिए रॉकेट बनाता है, एक सिलेंडर है, हाँ रॉकेट, और इसके साइड में दो कोन है, इस तरह से रॉकेट बना रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इस तरह का वो डिजाइन किया है, एल्यूमिनियम सीट, थिन एल्यूमिनियम सीट, पतली एल्यूमिनियम की सीट से बनाया है। डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर इसमें है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर। लेंथ एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर, टोटल उसका कितना है 12 सेंटीमीटर लेंथ, और कोन की जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 2 है, तो ये कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है जी, 8 सेंटीमीटर हो गया। सिलेंडर की हाइट मिल गई, रेडियस मिल गया, अब वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल, उसमें कितनी हवा भरी है, हवा भरे होने का मतलब वॉल्यूम निकालना, जैसे कहा गया इस रूम में कितनी एयर है, इसका मतलब इस रूम का वॉल्यूम निकालना, तो हमें इस फिगर का वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ को कितने कोन है, दो कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर या रॉकेट जो भी है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन, दो कोन है, दोनों सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है जी पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाइट यहां दो तरह की होगी ना, हाँ सिलेंडर की हाइट को अगर हम एच1 ले लें तो इसकी हाइट h2 हो जाएगी, हाँ, और ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर h2, ठीक है जी, हाँ तो रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो ना, तो h1 प्लस 1/3, हाँ h2 हो जाएगा ना, क्यों पाई आर स्क्वायर तो बाहर हो गया 2/3, तो पाई की वैल्यू देख लो क्या दे रखी है, पाई कुछ दिया नहीं है, तो आप 22/7 रखेंगे। रेडियस आपको मिल गया है, कितनी है रेडियस 3/2 दो बार लिखेंगे होल स्क्वायर, h1 आपको मिला है 8 2/3, h2 आपको मिला है 2, ठीक है जी, अब इसी को सॉल्व करना है, हाँ इतना नोट कर लीजिए बाकी सॉल्व कर ले, ऐसे ही देख लो, एक लाइन में और कर देता हूँ, यहां से आएगा 22/7 9/4, और यहां से देखिए 4 आएगा, इस एलसीएम लेंगे तो 24 + 4/3, देखिए 28 आएगा, 7 से भी कट जाएगा, 8 + 24 + 4, यहां कितना आएगा 28 22/7 × 9/4 × 28/3, देखिए 28 पूरा कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
तुम्हारी कॉपी से कोई नहीं समझा? क्यों नहीं चेक कराया? कल लेकर आए, पिटोगी अभी? इतने देर से चेक हो रहा, उसके बाद चार दिन छुट्टी थी, फिर नौटंकी चल रही है तुम लोगों को, और वो नहीं चेक कराया है बस में? अब वॉयस में कॉल नहीं कराया थी? अब से क्या दो, तुम्हारी कॉपी चेक है? अभी नोटिस बोर्ड पे तुम दोनों का नाम चिपकवाते हो, तुम अपना दे दो, ठेकेदार हो क्या क्लास में? हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाब जामुन का है जो आप खा के आए हैं। हाँ देखिए इसमें कैप्सूल टाइप गुलाब जामुन है, सिलेंडर है और किनारे पर स्फीयर बना हुआ है। तो यहाँ पर दो स्फीयर टाइप बना हुआ है, ठीक है, और इसमें एक देखिए जो गुलाब जामुन है जितना वॉल्यूम आएगा 45 गुलाब जामुन है, तो एक एक का पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम, कितने का निकालेंगे? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तो 45 का मल्टीप्लाई करके 45 का वॉल्यूम आ जाएगा। अब 45 का जब वॉल्यूम मिल जाएगा तो उसका 30% उसमें सिरप, सिरप मतलब चाशनी, जो उसमें सिरप होता है शुगर सिरप, शुगर का जो जूस है उसके अंदर है ना, तो 30% वो शुगर सिरप है। और इसके देखिए डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? बाई टू कर लेंगे, 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। यस सर। लेंथ टोटल कितनी है? 5 सेंटीमीटर, क्यों जी? यस सर। देखिए 1.4 इधर होगा, 1.4 इधर होगा ना, क्यों? हाँ यस सर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा? हाइट कैसे निकालोगे? 5.0 में से 2 × 1.4 करेंगे ना? यस सर। तो 5 − 2.8 जब करेंगे तो ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये बीच वाला, ये इतना 2.2, ठीक है जी। रेडियस आपको मिल गया, सिलेंडर की हाइट मिल गई। अब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आप गुलाब जामुन लिखेंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ या गुलाब जामुन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। अब पाई आर स्क्वायर यहां भी आप बाहर ले लें तो एच प्लस, देखिए मैं ऐसा कैलकुलेशन बता रहा हूं जिससे बहुत इजी से इजीली हो जा रहा है। पाई आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो 4/3 आर बचेगा, पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, रेडियस आपको मिल गया है 1.4, हाइट आपको मिल गया है 2.2, 4/3 1.4, देख लो वैल्यू, देख लो।
इसको आप यहां से काट दीजिए, 0.2 आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 हो जाएगा, 1.4। हाँ, इसके एलसीएम ले लेंगे। हाँ, हाइट 2.2 है तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 आएगा, और 14.4 जाए कितना होता है 66, यही तो होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, इसको तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14.4 = 56 और 4 = 60 आएगा, एक अंक के बाद, एक नहीं दो, दो के बाद डेसिमल लगेगा, यहां भी डेसिमल आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 = 12, 5 = 6, 11 / 1 = 12, और पॉइंट यहां आ जाएगा। हाँ, अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना, हाँ बाय 3 भी करना है, इसके अंदर को 3 भी लिखना है, तो 3 से ये वाला कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं? हाँ कटेगा, कटा तो 2.02 मल्टीप्लाई, चलो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, एक गुलाब जामुन का हो गया बॉल, अब 45 का निकाल लेंगे, अब 24 से ज्यादा ही आएगा, एक का मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, नहीं कर पा रहे, देखो 2 से मैं कर देता हूं, 4 × 4 = 2, फिर 0 से करेंगे, फिर डबल क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 से करेंगे, 4 × 4 = 2, 4 × 4 = 6, 4 × 2, देखिए इतना आएगा, yes, sir. और 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा ना, yes, sir. तो 24 से मैंने कहा था ज्यादा आएगा, 6 × 4 = 4, 3 डिजिट तक आया है, लिख दीजिए, पावर दीजिए, 1 का वॉल्यूम आ गया, अब 45 का वॉल्यूम निकाल लीजिए, फिर उसका 30% निकालेंगे, yes, समझ गए ना, yes, हाँ जी, करो इतना जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने लोग घर पर मिठाई बनाए थे और कितने लोग खरीद के लाए थे, घर पर कौन कौन बनाया था, मल्टीप्लाई कर लो लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप, देखिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, सिरप 30% ऑफ, देखो जी 30% किसी का निकालना है, अब मल्टीप्लाई में नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना, देखिए यहां मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 6.44 24.644, इसका 30%, समझ रहे हो, तो 30% मतलब 30/100 कर लेना, और इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना आना चाहिए, एक जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, 5 से काट देना, हाँ और फिर 2 से काट देना, अगर नहीं मल्टीप्लाई किया तो और अच्छी बात है, देख लो यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2, 5 से काट दिया, और 2 से इसको भी बढ़ा दो, 12.322, तो 3 × 9 × इसको 27 बना लो, 12.322, यही सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ ये नीचे वाला लिख चुके हैं, यस सर,
तो बस आज इतना ही, इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।